वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें यहाँ तेलंगाना हॉर्स राइडिंग एकेडमी पर, और यहाँ पर जैसे राइडिंग क्लब है, राइडिंग एकेडमी है, कंटिन्यूसली बहुत शानदार यहाँ पर काम है और डिटेल भी हम बात करेंगे सारी। अभी देखिए जैसे कंटिन्यू क्लासेस चल रहे हैं यहाँ पर, तो सभी डिटेल्स मैं बतलाऊँगा आप लोगों को। बहुत शानदार लुक, और जो एक शौक़ है घोड़ों का तो उससे एक लगाव भी रहता। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर भाई। अस्सलाम वालेकुम। खैरे से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमद है मेरा नाम। मोहम्मद अजमद, सन ऑफ मोहम्मद आजम जी। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। एड्रेस बतलाइए आपका, कहाँ पर है? अत्तापुर 202 पिलर नंबर जो है ना, परमानेंट हिल्स पिलर नंबर 202 के बाद अत्तापुर पे है। और जैसे अभी आपके पास जो क्लासेस चल रहे हैं, तो हिजाब में भी आप लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं ना? बहुत शानदार। जैसे यहाँ पर एक देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली नकाब के अंदर। और सोहेल भाई का जो इंटरव्यू हुआ था परसों लाइव कॉल अक्रम डेयरी फार्म का, सोहेल भाई भी यहाँ पर राइडिंग कर रहे हैं। आप वेट देखिए, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है उनका, उसके बावजूद भी अच्छी राइडिंग कर रहे हैं। सारी डिटेल हम ले सकते हैं। न्यू बिगिनर्स भी हैं यहाँ पर। और टाइमिंग क्या है आपके बैचेस की? मॉर्निंग सिक्स टू नाइन है। और क्लास रहती कितनी? हाफ एन आवर की क्लास है, यानी ईच स्टूडेंट्स के लिए हाफ एन आवर की क्लास है। एंड इवनिंग 3 to 6। इवनिंग 3 to 6। अच्छा, और अभी कितने स्टूडेंट्स है आपके पास ये वाले बैच में? ये वाले बैच में 8 स्टूडेंट्स। 8 है। और आप भी ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर? जी, मैं कोचिंग दे रहा हूं। माशाल्लाह बहुत शानदार, यानी आप कोच बन गए अभी? जी। तो अभी यहाँ पर देखिए, जैसे मरियम सरताज का परसों मैं आपको चैनल भी बतलाया था, तेलंगाना हॉर्स राइडिंग एकेडमी के ही स्टूडेंट्स है, प्रिंसेस मरियम सरताज खान, प्रो राइडर विनर TSEA, यानी यहाँ के जो स्टूडेंट्स है ये चैंपियन भी रह चुके आपके पास जी। और यहाँ के अभी कोच भी है, तो इनसे भी बात करेंगे हम। हेलो सर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ भाई। आसिफ भाई, अभी ये जो हॉर्स पर राइड कर रहे हैं आप, ये कौन सी ब्रीड में है? खांतेवाड़ी ब्रीड में है। तो अभी यहाँ पर जो हॉर्सेस यूज कर रहे हैं आप लोग ट्रेनिंग के लिए, कौन सी ब्रीड में यूज कर रहे हैं मैक्सिमम? ऑलमोस्ट इंडिया में जितने ब्रीड से अपने पता है, यानी मल्टीपल सभी ब्रीड्स यूज कर रहे हैं। तो इसके क्या बेनिफिट्स है और क्या रीजन है सभी ब्रीड आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर? राइडिंग सिखाना है तो ओनली थोरोब्रिड से सिखाना है, तो बंदों को वही आदत होती है, हर तरीके का घोड़ा चलाना जरूरी है। बिल्कुल, यानी सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हर ब्रीड का घोड़ा चलाना आना चाहिए। जी सर, बिल्कुल सही बात जी। अभी सिर्फ राइडिंग सिखा रहे हैं आप लोग यहाँ, जंपिंग वगैरह और भी क्या क्या कोर्सेस आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं? सारे इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स सिखा रहे हैं, स्पोर्ट्स में आपको ड्रेसेज आता है, जंपिंग आता है, हैक्स आता है। ओके, सारी चीज़ें सिखा रहे हैं जी। और यहाँ के आपके कुछ स्टूडेंट्स के नाम ऐसे बताइए जो अच्छे लेवल पर खेल चुके हैं, यानी राइडिंग कर चुके, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर चुके? सारे के सर, जितने भी आज तक अवेलेबल है, जो बिगिनर्स 2-3 दिन पहले के छोड़ के बच्चे, सारे बच्चे आज तक हम TSEA खेल चुके। अच्छा, जंपिंग में कुछ स्टूडेंट है, सैफ, अजमत, आयान जी, संजू, जशवंत, ये थोड़े बच्चे हैं जो जंपिंग में भी है। जाके खेले। अच्छा, बैंगलोर तक जाके। तो कोई आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ विनर्स भी रह चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ऑलरेडी एक नाम तो हम देखे स्टार्टिंग में, मरियम सरताज का नाम है, तो और भी कुछ स्टूडेंट्स है? हाँ सर, और भी है, बैंगलोर में जाके जीत के हम लोग, एंड कार्डिनल जीते, सैफ, सैफ 3 गोल्ड मेडलिस्ट है। ओके, 3 times गोल्ड मेडलिस्ट है, एंड अजमत है, बैंगलोर में 2 गोल्ड मेडलिस्ट आए। वेरी नाइस। तो थोड़ा सा आप भी राइडिंग करके बतला दीजिए, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं इनकी भी थोड़ा सा राइडिंग देखना चाहेंगे। और ये भी स्टूडेंट है? कब से कर रहे हैं आप? आज फर्स्ट डे है आपका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिरुद्दीन। चलिए अजा हो रही है, इसीलिए मैं ख़त्म तो नहीं करूँगा, बल्कि कुछ देर के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसे मिनिमम एज टू मैक्सिमम एज, ये सब डिटेल मैं बतलाऊँगा वीडियो लगातार, कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिए आप लोग। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो कोर्सेस है, जो स्टंट सिखाया जा रहा है, उन सब की डिटेल दूंगा। आप देखिए बहुत प्यारी चाल, ये डायमंड घोड़ा है। तो जो जंपिंग है वो बतलाने वाला हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर। तो देखिए आप, जैसे आप लोग जंपिंग देखे, घोड़े की चाल भी बता दूं मैं आप लोगों को, बहुत शानदार।
गैलप, ट्रॉट, जंपिंग, पोलो, ये सब की ट्रेनिंग की जाती है यहाँ पर। और ये कोच है। एक बार फिर से मैं बतलाऊंगा आप लोगों को, जंपिंग के लिए बहुत शानदार अजा हो चुकी है ऑलरेडी यहाँ पर, आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। ये देखिए एक और बार मैं फिर से जंप, चलिए यहाँ के कांटेक्ट नंबर भी बतलाऊंगा और मिनिमम एज क्या होना चाहिए हॉर्स राइडिंग के लिए, और मैक्सिमम वेटेड अगर कोई लोग हो तो वो चलवा सकते हैं या नहीं हॉर्स, उनकी भी डिटेल लेंगे हम। तो यहाँ के जो कोच हैं इनसे ही हम बात कर लेंगे। आसिफ सर, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए हॉर्स राइडिंग करने के लिए? 7 ईयर्स ओल्ड। तो अभी आपके पास यहाँ मिनिमम सबसे छोटा लड़का कौन है? अच्छा, ये यशवंत 11 ईयर्स ओल्ड है अभी। अच्छा, चिल्ड्रन 2 कैटेगरी में आता है। और मैक्सिमम वेट क्या, वेट तक भी रहे तो घोड़ा चला सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास बहुत स्ट्रांग हॉर्सेस है जी, 140 135। जैसे आपके पीछे है एक यहाँ पर, सोहेल भाई से भी हम डिटेल लेंगे थोड़ी सी। सोहेल भाई आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। सोहेल सर, वॉक वॉक इला इला टीचर से मत मां कोच इकड़ा अंत प्रेमगा सुहेल भाई, आप जैसे लाइव जैसे कॉल था परसों, मैं इस साइड आ जाऊंगा, लाइट्स का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा अभी बस। तो आप बताइए अभी आपका क्या वेट था और यहाँ आने से क्या डिफरेंसेस दिखे आपको, और अभी हॉर्स राइडिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप आसानी से चला सक रहे हैं? जी, मैं तो घोड़ा बिल्कुल आसानी से चला सक रहा हूँ अभी जी। और मेरा जो वेट है यहाँ आने से 30-32 kg से अभी तक लॉस हुआ है मेरा। 30 से 32 kg लॉस हुआ। 42 था वेट, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 110 है। अच्छा, तो 32 kg मेरा वेट लॉस हुआ और हॉर्स राइडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और उल्टा जो प्रॉब्लम थे वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अच्छा, और आप देख रहे हैं अभी भी घोड़ी को भी पूरी स्वेटेड हो गई, और यानी जैसे आप इंटरव्यू में बतलाए थे यहाँ पर प्रैक्टिकली चला कर भी बतला रहे हॉर्सेस। जी हाँ जी हाँ, प्रैक्टिकल चला के बतला। यानी आप राइडिंग सीख तो गए लेकिन अपना वेट और लॉस करने के लिए, यानी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखने के लिए आ पा रहे हैं? जी हाँ, मैं एक्सरसाइज और अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए कंटिन्यू राइडिंग रखा हुआ हूँ, जिसके वजह से अपने को सेहती एतबार से भी कहते सो बहुत बेनिफिट्स है। और साथ ही साथ मैं राइडिंग कंटिन्यू इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे प्रैक्टिस में रहना है जी। और राइडिंग एक फन है, और राइडिंग से आपको क्या है बेनिफिट के साथ साथ आपका जो एक लगाव होता घोड़े से, बिल्कुल वो घोड़े का लगाव अपन छोड़ नहीं सकते, एक बार आदत लगने से घोड़े का लगाव छोड़ नहीं सकते। सही बात। सोहेल भाई कहाँ से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे संतोष नगर अवेसी हॉस्पिटल के आ रहे हैं। यानी नियरली कितने किलोमीटर का डिस्टेंस? 17 किलोमीटर से। और डेली आप आते हैं यहाँ पर? मैं डेली आता हूँ यहाँ। बहुत शानदार, यानी एक शौक ही है जो आपको लेके आता है यहाँ पर? शौक है, इसके वजह से मैं एक घोड़ी भी खरीदा, मुस्कान, ये घोड़ी मेरी है। अच्छा, ये जो घोड़ी है आप ही की है? घोड़ी खरीदा मैं आजम भाई के पास। क्या नाम है इसका? मुस्कान है। मुस्कान है, 1 साल से ये घोड़ी मेरी है और उसके ऊपर ही मैं कंटिन्यू राइडिंग कर रहा हूँ। अच्छा, और इसके ऊपर का ये जो मारवाड़ी घोड़ी है इसकी राइडिंग का फनी अलग है, इसका मजा अलग है, और साथ ही साथ इतना आपको एंजॉयमेंट थ्रिल देती है जी, इसके वजह से आप राइडिंग मिस नहीं कर पाते। तो एक बार आपकी राइडिंग देखना भी चाहेंगे और दिखाएंगे भी व्यूअर्स को, थोड़ा सा बतलाइए राइडिंग आपकी। राइडिंग आप कैंटर, मैं कैंटर बता रहा हूँ, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं अभी कैंटर जी घोड़े ऐसा उठते ना आता है। हाँ बताएंगे बताएंगे, वो भी आ जाता। ये देखिए 110 केजीस लाइव वेट के अंदर है सोहेल भाई, उसके बावजूद भी कितना इजीली यहाँ पर राइडिंग कर रहे हैं, बहुत शानदार। तो चलिए यहाँ का कांटेक्ट नंबर वगैरह बतलाऊंगा मैं, और यहाँ का जो बहुत फेमस हॉर्स है डायमंड, तो अजमत भाई से भी कुछ स्टंट्स देखेंगे हम। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अजमत जो है, यहाँ पर मास्टर अजमत बोलेंगे हम अब, क्योंकि अभी ये कंटिन्यू राइडर भी बन चुके और कोच भी है यहाँ के, बहुत खूबसूरत नुकरा घोड़ा है। अजमत भाई इंडियन ब्रीड है ना ये? कौन सी नस्ल है? काठियावाड़ी नस्ल है। क्या हाइट है इसकी? 63। काठियावाड़ी में 63, तो मारवार कांटे बार क्रॉस में है क्या? अच्छा, तो ये भी, ये घोड़ा जो है आपका, ये क्या एज का है? 13 ईयर्स ओल्ड हॉर्स है ये, और ये भी बहुत शानदार स्टंट्स करता, तो कुछ स्टंट्स बतलाएंगे आप इस घोड़े के?
चलिए, ये देखिए जो घोड़ा सलामी देता है, जो हलफ करता है, वो भी बतलाऊंगा मैं आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टंट्स को ज्यादा पसंद करते, तो अभी वो भी देखेंगे हम। वेरी नाइस, इधर एक बार करिए फिर से। चलिए, ऐसे बहुत सारे चीजें देखते रहेंगे आप। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, बोलो भाई। देखिए जंपिंग वगैरह ये सब करने वाले हॉर्सेस हैं यहाँ पर, तो इसी तरह बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेगी आप लोगों को। और अभी कांटेक्ट नंबर वगैरह भी बतलाऊंगा मैं आप लोगों को। मिस्टर रजमत, इधर आ जाइए आप। अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो कैसे कांटेक्ट करेंगे आप लोगों को, क्या मोबाइल नंबर है आप लोगों का? 9885066094। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लिया तो आप लोग लोकेशन वगैरह सब भिजवा देंगे, डिटेल भी बतला देंगे। आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, तेलंगाना हॉर्स राइडिंग एकेडमी, तेलंगाना हॉर्स राइडिंग एकेडमी गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। बहुत शानदार। तो चलिए, इसी तरह का बहुत अच्छा शौक करने के लिए आप लोग डायरेक्टली आ सकते हैं, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, जैसे वेट हो या ना हो, एज लिमिट हो या ना हो, आप सब गर्ल्स बॉयज सभी के लिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ है, आप सब लोग आ सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह और बहुत सारे वीडियोस बताऊंगा मैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।